दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको एक भैंस दिखाई थी जिसके थनों में कि अचानक से बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और पूरी हिस्ट्री आप लोगों के सामने थी। तो निर्मल मीणा जी ने हमें फर्स्ट कमेंट दिया है और हमारे संतोष मीणा जी, नंद किशोर जी, नितिश सिंह जी और सोलंकी सतीश जी ने भी हमें प्यार भेजा है और हमारे बैजरिया भौतिक जी ने भी हमें प्यार भेजा है। सर ट्रीटमेंट प्लीज़, बिल्कुल ट्रीटमेंट बताएंगे। लाइव स्टॉक सॉल्यूशन जी ने सर 15-20 दिन के बकरी के बच्चे को 500 ml फ्लूट दिया जा सकता है क्या? देखिए 20 दिन के बच्चे को अगर आप 500 ml फ्लूट दे रहे हैं तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं। फ्लूट की जो निश्चित डोज होती है उसी डोज में दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अलग अलग फ्लूट की डोजेज अलग अलग होती है, वो आपको पता है। अगर नहीं है तो कमेंट करना, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद हमारे विजय कुमार जी हैं जिन्होंने हमें प्यार भेजा है, अभिमन्यु पाठक जी है जिन्होंने भी हमें प्यार भेजा है। इसके बाद आगे हैं हमारे रोहित परवाना जी जो कि रेगुलर व्यूअर हैं। इन्होंने एमोक्सरम फोर्ट को जगह दी है, FM50 20 ml लगाएंगे, सी मैक देंगे और मस्टिनिक्स पाउडर भी इन्होंने यूज़ किया है, ऑइंटमेंट हिलेंट ट्यूब अप्लाई करेंगे और विटामिन एच लगाएंगे। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित परवाना जी। इसके बाद डॉक्टर रवि कुमार जी हैं, प्लीज़ चेक कर लेंगे बच्चेदानी में इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम डेरिलिन 500 mg, मैग्रोडाइन 20 ml, CPM और बीकॉम्प्लेक्स लगा देंगे। बहुत अच्छा प्रयास इनका यहाँ पर रहा है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन को भी चेक करें, लेकिन अब ऐसा कोई सिम्टम लग नहीं रहा है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है क्या। इसके बाद हमारे शशिकांत जी हैं जिन्होंने मॉक्सेल 4.5 ग्राम को जगह दी है और मॉक्सेल के साथ साथ ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैग्लोडाइन, बीकॉम्प्लेक्स CPM यूज़ कर रहे हैं, सेराकाइन बॉलस भी यहाँ पर दे रहे हैं। यानी एक नॉर्मल ट्रीटमेंट इन्होंने किया है, हिलेंट स्प्रे और मल्टी स्टार एच, ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं तो इनके लिए भी आपको धन्यवाद। ऐसी सूजन में अगर हम लगाने की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए हिलेंट स्प्रे आता है, हिलेंट ऑइंटमेंट आता है, इन्फ्लामिन ऑइंटमेंट आता है, तो ऐसी कोई सी भी ऑइंटमेंट अप्लाई करवाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। इसको अगर मस्टिलेफ के साथ करवाया जाए, मतलब एक टाइम पर मस्टिलेफ और एक टाइम पर ये हिलेंट या इन्फ्लामिन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ऐसे केसेस में मिलता है। इसके बाद हमारे नितिश सिंह जी हैं जिन्होंने कि सेफोक्विनोम को जगह दी है, 500 mg, मैग्लोडाइन लगाया है, V5 बहुत अच्छा। देखिए V5 इंजेक्शन की महत्ता इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर गांठ वाला मामला है, फाइब्रोसिस हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में V5 तो ज़रूरी है। बाकी आपने टाइलोसिन को जगह दी, ये भी बहुत शानदार मैटर है। देखिए आपका V5 अच्छा है, टाइलोसिन अच्छा है, आपने एंटीबायोटिक यूज़ किया वो भी अच्छा है, आपने मैग्लोडाइन लिया ये भी अच्छा है, मस्टी किट देंगे 3 दिन तक ये भी अच्छा है। लिक्सन IU देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है और बाकी लिक्सन आपको लग रहा है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो फिर लिक्सन को जगह देनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। और आप हमें इतना पसंद भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नितिश सिंह जी, आपने वाकई बहुत अच्छा इलाज लिखा है। इसके बाद हमारे संतोष मीणा जी हैं जो मैग्लोडाइन इंटरसेप्ट को जगह दे रहे हैं और बीकॉम्प्लेक्स CPM और साथ में पाउडर मेमिडियम देंगे, बहुत अच्छी बात है। और टेबलेट फ्लूकोनाजोल आपने भी बहुत अच्छा किया कि टेबलेट फ्लूकोनाजोल को जगह दी, जो कि काम करेगा इसमें आपके फंगल मेस्टाइटिस में, तो ये भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी सोच रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए टेबलेट फ्लूकोनाजोल दिया जा रहा है, ये ज़रूरी है। इंट्राकोनाजोल दी जा सकती है, केटाकोनाजोल दी जा सकती है, ऐसी कंडीशन में जब रिजल्ट ना मिले तो ये करना पड़ता है। संतोष जी ने बहुत अच्छा लिखा। इसके बाद हमारे रंजन कुमार पांडे जी हैं जो कि एमोक्सरम फोर्ट को जगह दे रहे हैं, वाइटम एच एविल बी कॉम्प्लेक्स को जगह दे रहे हैं, मस्टिक किट और हल्दी एलोवेरा को जगह दे रहे हैं और मस्ट ऑयल पेस्ट के लिए भी कह रहे हैं। तो चलिए इनका भी एवरेज ट्रीटमेंट ठीक ही है, लेकिन जब तक आप एनाल्जेसिक कुछ यूज़ नहीं करोगे कैसे सफलता मिलेगी, ये थोड़ा सा आपके लिए सोचने वाला विषय है, इसको आपको कवर करना पड़ेगा।
इसके बाद हमारे नितिन चौहान जी हैं जिन्होंने एमोक्सरम फोर्ट को जगह दी है। मैक्सटोल बहुत अच्छा है यहाँ पर, सीपीएम बिकॉमलेस ठीक है, वाइटाम एच भी ठीक है, और आपने लिंस 4 ml और आइसोफ्लूड 4 ml और 20 ml डिस्टल वाटर इंटरमेमरी लगाने का सोचा है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। दूध सही आ रहा है, बस प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है बाहर सूजन है, फाइब्रोसिस है, तो आप फाइब्रोसिस को रोकिए, जो फंगल मेस्टाइटिस हुआ है उसको रोकिए। उसके लिए पीछे जो ट्रीटमेंट बताया गया था वो सही है, इसमें एक एंटीबायोटिक अभी तक नहीं मिला है, तो देख लेते हैं, नहीं तो एमोक्सरम फोर्ट मिला है उसी से काम चलाएंगे। लेवामिसोल इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, लेवामिसोल की सिंगल डोज आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ललिता की दुनिया में, नमस्ते सर जी, हमारी भैंस के बच्चा देने में 4-5 दिन बाकी है, चारों पैरों में सूजन है, क्या करें। देखिए ऐसे में सूजन नॉर्मली आती है, आप घबराएं नहीं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इस सूजन से ही अपने आप बचा देने के बाद दूर हो जाएगी। फिर भी इस सूजन पर हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद हमारे हिदायत अली जी हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं DCR डायग्राम को, आइसोफ्लोपेराडोन को और मेलोनेक्स को यूज़ कर रहे हैं। आइसोफ्लोपेराडोन मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत दूध हो रहा है वो भी नहीं होगा भाई, नुकसान दर नुकसान, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें आइसोफ्लोपेराडोन यूज़ करने से पहले। संतोष मीना जी, सर जी LSD के बचाव के लिए गॉडपॉक्स वैक्सीन का प्रयोग प्रेग्नेंट गायों में किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रहे संतोष जी कि शुरुआत का महीना छोड़िए और अंतिम महीना छोड़िए, ये दोनों महीने छोड़ने ज़रूरी है, बाकी आप लगा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुरुआत का भी कई बार कई लोग जो डॉक्टर कंपाउंडर हैं वो नहीं छोड़ते हैं और रिस्क नहीं होती है, तो वो आप देख सकते हैं, बाकी एक एक महीना छोड़ना ज़रूरी है। इसके बाद जितेंद्र तंवर जी हैं जिन्होंने DCR 5 ग्राम को जगह दी है, मैग्लोडाइन CPM और हाइब्रिड को जगह दी है, लेकिन इतने से ट्रीटमेंट से बॉस ठीक नहीं होगा। इसके बाद हमारे कमलेश फ्यूचर वीडियोस ने, सर जी नमस्कार, और मैग्लोडाइन एडवर्ड एच, देखिए एडवर्ड एच या V5 यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन सी आपने दिया फंगल इन्फेक्शन को देखते हुए, ये अच्छा है, एंटीबायोटिक आपने टैक्सिम लिया तो चलेगा, आइसोफ्लोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आइसोफ्लोड प्लस CPM आप लगा रहे हैं तो ये तो मामला चलने वाला है ही नहीं यार कमलेश जी। इसके बाद हमारे राजेंद्र राजपूत जी ने हमें प्यार भेजा है और हिदायत अली जी कह रहे हैं इंजेक्शन एमोक्सरम फोर्ट लगा देंगे, मैग्लोडाइन दे देंगे, बेलामेल दे देंगे, DCR दे देंगे, DCR पाउडर और देसी घी में मिला करके देंगे। देखिए DCR का पाउडर और देसी घी बिल्कुल ही गलत है, मैं इस चीज़ के हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि आप किसी भी एंटीबायोटिक को अगर ओरली दे रहे हैं पशुओं को तो उससे पहले आप 100 बार सोचिए कि मैं कितना गलत हूँ, क्या क्या हो सकता है, तो प्लीज़। इसके बाद जितेंद्र कुमार जी ने आइसोफ्लूड यूज़ कर लिया स्टार्टिंग में ही, तो आगे हमारे गिरी बाबा है, अगर अचानक से सूजन है तो उसमें डिटोल 50 ml और 400 ग्राम मिल्क हल्दी मिला करके देंगे, चीनी भी डालेंगे और पालने से वह रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो दिया जा सकता है, लेकिन फंगल मेस्टाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर रिजल्ट मिलने की संभावनाएँ कम रहेगी। तो आगे हमारे अंकित प्रजापति जी भी हैं और राय सिंह सैनी जी भी आए हैं, अंकित नगाने जी आज लेट आए हैं, बिट्टू कुमार जी आज लेट आए हैं, सोहेल मोयावाला जी भी आए हैं, इसके बाद हमारे नारायण सिंह जी है, टेक्निकल रमन गुलशन जी है, प्रदीप कुमार जी भी आए हैं, और हमारे जवाहर पटेल जी भी आए हैं, निर्मल सिंह जी, SK इजाज जी, इसके बाद प्रशांत कुमार जी हैं और सुरेश जी है, प्रदीप सुरेश जी, समीर जी हैं, बहुत सारा प्यार आप लोगों का चैनल के लिए मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।